Hey guys, welcome back to my channel once again in Secret Logic. और guys, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऑनलाइन टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत ज़्यादा हैप्पी बना सकते हैं. इसके लिए आपको फॉलो करना है कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और क्या क्या सावधानियाँ रखनी है. आज के इस वीडियो में मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करूँगी. तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन शॉपिंग साइट से परचेस करती हैं और सेम वही प्रोडक्ट आपकी फ्रेंड परचेस करती है तो उसे कम प्राइस में मिल जाता है. तो वहाँ पे आपकी डील जो है वो फेल हो जाती है क्योंकि आपसे ज़्यादा बेनिफिट आपकी फ्रेंड को मिल जाता है. तो ऐसा क्यों होता है और क्या टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करके आप जो है किसी भी बहुत ही ज़्यादा सस्ते में प्रोडक्ट को परचेस कर सकती हैं, तो क्या क्या फॉलो करना है. आपको हमेशा सेल टाइम में ही शॉपिंग करनी चाहिए. जैसा कि हम सब इंडियन जानते हैं कि इंडिया में जो है बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं और उन फेस्टिवल्स में हम शॉपिंग ज़रूर करते हैं. तो फेस्टिवल्स के टाइम पे जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वहाँ पे सेल चलती है, तो उस टाइम पे अगर आप प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. दूसरी ट्रिक है कि आप जो है रैंडमली परचेस करने की बजाय अपने प्रोडक्ट्स को विशलिस्ट में ज़रूर सेव किया करिए ताकि जब सेल का टाइम आए तो आप को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े. क्योंकि कई बार होता है उस टाइम पे सर्वर ओपन नहीं हो पाता या आपके फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके रहते हैं. तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए पहले से ही अपने प्रोडक्ट को विश लिस्ट में सेव करिए और जैसे ही सेल टाइम आती है आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए. कई बार पर्सनली मैंने ऐसे शॉपिंग की है कि मुझे उस समय ज़रूरत नहीं थी और मैंने उस प्रोडक्ट को जो है विश लिस्ट में सेव कर लिया एंड देन सेल के टाइम पर मैंने उस प्रोडक्ट को परचेस किया तो मुझे बहुत ही अच्छी डील मिली. आई थिंक मुझे 70-80% ऑफ मिल गया उस पर. मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने में ये प्रोडक्ट रिसीव होगा, बट हो गया. वैसे ही अगर आप कोई शॉपिंग करती हैं, कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया जिसको आपने अपने आप कार्ट में भी स्टोर कर सकती हैं और यू नो दिन भर में 4-5 बार उसको ओपन करके देखिए, तो इससे क्या होता है कि जो ऑनलाइन साइट्स हैं वहाँ पर उनको थोड़ा सा एज्यूम लग जाता है कि आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट को परचेस करने में. लेकिन अगर आप लॉयल कस्टमर हैं तो अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है तभी जो है आपको वहाँ पर भी बार्गेनिंग का एक ऑप्शन मिल सकता है. कैसे, मैं बताती हूँ. आप जब भी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करती हैं तो बहुत ही ध्यान से सोच समझ करके ही प्रोडक्ट को चूज़ करिए. फैब्रिक क्वालिटी सारा कुछ देख लीजिए. रिव्यू प्रोडक्ट के नीचे हमेशा मेंशन रहता है, उसको आप ज़रूर चेक कर लिया करिए. वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है. और जब भी प्रोडक्ट परचेस करती हैं आप रिव्यू वहाँ पे ज़रूर शेयर किया करिए अपना, क्योंकि और लोगों के लिए भी यूज़फुल हो जाता है और साथ ही साथ उस साइट्स के लिए भी अच्छा होता है. मतलब आप उसके जेन्युइन कस्टमर होते हैं, उसको अच्छा लगता है जब आप रिव्यू शेयर करते हैं. साथ ही साथ आप जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को रिटर्न ना करें. बहुत लोग की आदत होती है बहुत सारे प्रोडक्ट को परचेस किया, पसंद नहीं आया, फिर सारे रिटर्न कर दिए. तो अगर आप बार बार प्रोडक्ट को रिटर्न करती हैं तो क्या होता है कि आपका शिपिंग चार्जेस वो बढ़ा देते हैं. तो इसलिए प्रोडक्ट को रिटर्न करने से बचिए. आप वही प्रोडक्ट परचेस करिए जो आपके यूज़फुल हो, जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लग रहा है सारी चीज़ें देखने के बाद. समटाइम्स इट इज़ ओके, बट अगर आप बार बार ये चीज़ करती हैं तो आपका क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाता है उस साइट की नज़र में और वो फिर आपको कोई भी बेनिफिशियल ग्रैब मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं देता है बिकॉज वो जानता है कि ये मतलब एक लॉयल कस्टमर नहीं है हमारे साइट की, तो मे बी ये रिटर्न कर दे प्रोडक्ट को. वहाँ पर आपको बार्गेनिंग ऑप्शन नहीं मिलेगा. आपने नोटिस किया होगा कि हर मोबाइल में आपको अलग अलग डील मिलती है. जैसे कि आप अपने मोबाइल से चेक करेंगे तो आपको किसी प्रोडक्ट पे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा होगा, लेकिन आप अपने ही फैमिली मेंबर के किसी दूसरे मोबाइल से चेक करेंगे तो वहाँ पे उतना अच्छा डील नहीं मिल रहा होगा. ये इसी वजह से होता है कि कितनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी आपकी अच्छी है. अगर आप बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करते ऑनलाइन तो आपको नॉर्मल प्राइस रेट पे मिलेगा जो कि इसमें मेंशन है. लेकिन अगर आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, आप ऑलवेज शॉपिंग करते हैं, तो आपको वहाँ पे एक अच्छी डील देखने को मिल सकती है. 70-80% ऑफ मिल जाता है. और ऐसे ही अगर आप कभी यू नो कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आया जिसको कि आपने कार्ट में सेव कर लिया आपने, आप अगेन एंड अगेन दिन में 4-5 बार उस प्रोडक्ट को जाकर के देखिए. इससे क्या होता है कि साइट को पता चलता है कि आप इंटरेस्टेड इस प्रोडक्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी बार्गेनिंग कर देते हैं और आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो हल्का सा उसमें मार्जिन जो है प्राइस का वो कम हो जाता है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है. तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है जिसको कि आप ग्रैब कर सकती हैं. तो आप अच्छी डील जो है वो ग्रैब कर सकती हैं. इसी तरीके से कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते समय. अगर आप नेट बैंकिंग या यू नो एटीएम का यूज़ करती हैं डेबिट कार्ड का, तो आप अगेन एंड अगेन एक ही कार्ड से परचेज ना करिए. मतलब आप अगेन अगेन अपने
एक ही डेबिट कार्ड से शॉपिंग मत किया करिए, अलग अलग शॉपिंग कार्ड से आप परचेज कर सकती हैं, लाइक डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, बट सेम कार्ड से आप बार बार शॉपिंग मत करिए क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आप नेट बैंकिंग का पासवर्ड उसमें जो ऑप्शन दिया रहता है कि रिमेम्बर, वहाँ पे कभी भी टिक मत किया करिए क्योंकि वो आपके मोबाइल में डिवाइस में सेव हो जाता है एक्चुअली, फिर उसको कोई भी देख सकता है, इसलिए वो कभी भी गलती ना करिए। तो ऑनलाइन शॉपिंग आपकी हैप्पी हो सकती है अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगी। तो आप जो है आजकल डिजिटल पेमेंट में बहुत ज़्यादा फ्रॉडगिरी फैल गई है, बहुत से लोग आपके पासवर्ड को कॉपी करके मतलब आपके पैसे लूट लेते हैं बैंक से, तो इन चीज़ों को बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपना OTP कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए किसी से, और कोई भी मतलब जब भी आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का यूज़ करिए, उस कार्ड का यूज़ करने के बाद आप उसको डिलीट कर दीजिए, वहाँ पे सेव मत रखिए, किसी भी साइट्स पे अपने बैंक डिटेल्स को सेव मत रखिए क्योंकि ये सही नहीं होता है। और हमेशा अलग अलग कार्ड से जो है शॉपिंग करने की ट्राई करिए, कोशिश करिए, हमेशा एक ही कार्ड से कोशिश मत करिए। साथ ही साथ फेस्टिवल ओकेजन पे लाइक 15 अगस्त से 26 जनवरी पे आपको एक काफ़ी अच्छी डील मिल जाती है, और दिसंबर में ये 3 सेल आई थिंक सबसे ज़्यादा इस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है। लेकिन सेल टाइम पे क्या होता है कि कई बार प्रोडक्ट जो है वो अच्छे नहीं रिसीव होते हैं, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को पहले से ही विश लिस्ट में सेव करिए, और प्रोडक्ट के टाइम पे जैसे सेल आती है आपकी, आप इमीडिएटली उस प्रोडक्ट को परचेस कर लीजिए, तो आपको जो है ख़राब प्रोडक्ट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। इस तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का फॉलो करके आप अपनी शॉपिंग को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और एन्जॉयबल बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।